Good morning guys, so welcome back to my channel Shift to Explore and you are with Rajdeep. So aaj hai 12 December jo hai Sunday and aaj ek fir se plan hua hai ghumne jane ka. So abhi ye subah ka 8 baj raha hai and main ghar se ready hoke nikal chuka hu. तो अब ये है कि अब मैं जाऊंगा मेरे फ्रेंड के घर शिव मंदिर, देन वहाँ से कुछ प्लान है हम लोगों का दोस्तों के साथ घूमने जाने का. तो कहाँ पर है जगह ठीक एग्जैक्ट तो थंबनेल पे तो मालूम चल गया आपका, बट मुझे अभी तक मालूम नहीं है कि कहाँ जाना है. तो जो भी हो, तो अभी आज शॉपी तो भूल नहीं गए मैं, तो मैं अभी अपना बाइक लेकर, एक्चुअली मेरा नहीं है, ट्विंकल का बाइक है, बाइक लेकर अभी मैं जा रहा हूँ शिव मंदिर रातुल के घर, फिर वहाँ से बाकी दोस्त लोगों का, फिर वहाँ से मैं हम लोग कार में जाएंगे. सो स्टे ट्यून एंड देखते हैं कहाँ पर जाते हैं, मुझे भी नहीं मालूम, वहाँ पे एक साथ होंगे फिर डिसीजन लेंगे कि कहाँ पर जाना है. तो फिलहाल मैं शिव मंदिर आ चुका हूँ एंड रातुल का घर का सामने मार्केट है. रातुल यहाँ पे क्या मुर्गी उर्गी खरीद रहा है, हम लोग को पार्टी देगा आज. क्या भाई मुर्गी ले रहा है कि बकरा ले रहा है, कौन सा कुंडा गुड़ अच्छी काला या सादा जो भी हो, एक ऐसे ही वो घर के लिए ले रहा है अपना. आज हम लोग का ऐसा कोई प्लान नहीं है बाहर में बनाने का क्योंकि टाइम नहीं होगा. तो इस बाजार में अभी हम लोग शायन का वेट कर रहे हैं. तो हम लोग का गाड़ी भी आ चुका है, बस अब देखते हैं. और हम लोग का जो दोस्त है उसका भी YouTube चैनल है ट्रैवल विद शायन, तो वहाँ का भी वीडियो देखिए, अच्छा कंटेंट देता है. सो हम लोग अभी निकलते हैं. तो गुड मॉर्निंग, इसका भी नींद नहीं टूटा अभी तक भाई. So, अभी हम लोग ये कहाँ पर है जगह भाई, रम्भी. तो ये है रम्भी, तो जाने का टाइम में यहाँ पे इस सीजन में यहाँ पे लोकली बोलते हैं ये लोग, यहाँ का संतरा मिलता है ऑरेंज, तो काफ़ी मीठा भी होता है यहाँ का ऑरेंज. तो जाते जाते रुका यहाँ पे. यहाँ पे प्राइस थोड़ा ज़्यादा बोल रहे हैं, जो भी हो बहुत अच्छा है, ये नेचुरल है ना. हंड्रेड में तो यहाँ का ये लोकल है ना, लोकल है इधर का ना. तो हाँ एक ले लेते हैं. बहुत टाइम गाड़ी में बैठ लिया, अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तो आगे में जाएंगे देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या होता है आज.
उत्तराखंड ट्रेवल्स कलर भी वैसे ही बना है देखिए सिलीगुड़ी टू उत्तराखंड ये बहुत बड़ा लेंस है यहाँ पे हाँ नीचे से ट्रेन लाइन जा रहा है टनल इसका नीचे से আচ্ছা বেকারি কথা স্যার এখান থেকে নাকি এই একদিন এখান থেকে নাকি দেখ হ্যাঁ হ্যাঁ জিজ্ঞেস করি ম্যাগি होगा यस हां ম্যাগি यहां पे होगा तो बैठने का पीछे जगह है पीछे में वो नहीं है थोड़ा व्यू में जगह नहीं है ओके फोटो तो अभी फिर से प्लान चेंज तो प्लान अभी प्लान चेंज है फिर से मैगी का प्लान हो गया बट जगह नहीं यहाँ पे वैसा मैगी कर दीजिए आंटी तो हम किचन में आ सकते हैं अंकल अच्छा अच्छा तो अंकल क्या बना रहे बादाम बादाम एक बादाम बादाम वाला गाना आप सुने बादाम बादाम वाला गाना सुने आपने तो अंकल सुबह सुबह बादाम क्या बोलो उसको फ्राई नहीं बादाम को बना रहे आज जहाँ पे हम लोग जाएंगे वो उस जगह का नाम है मोनसोंग विलेज और वो है कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में ये वेरी फर्स्ट टाइम ये मैं नाम भी पहला बार सुना हूँ एक्चुअली मोनसोंग का तो शायद नो प्लेस डिसाइड किया था कि वहाँ पे जाएंगे मैं बोला ठीक है चलो एंड मोनसोंग विलेज कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में है जहाँ से एक तीसरे रिवर का बहुत ही अच्छा व्यू आता है तो आई होप वहाँ पे आज वेदर भी साफ रहे एंड सब कुछ दिखाई दे क्योंकि फिर क्लाउडी हो जाता है वेदर ऊपर में पहाड़ में कभी कभी तो यहाँ पे एक्चुअली ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं जहाँ पे हम लोगों ने चाय और मैगी ऑर्डर कर दिया था तो अभी बन गए हैं तो किचन है ऊपर में ही तो यहाँ पे नीचे में इतना अच्छा लग रहा है जो वो विंटर का जो सुबह का धूप होता है एकदम परफेक्ट लग रहा है एकदम तो वहाँ पे सामने आप दिखाई नहीं देंगे यहाँ पे जो ये वाला एरिया है जो आइलैंड टाइप का छोटा एरिया है यहाँ पे बहुत सारा बत्तख है यहाँ पे हाँ पता नहीं लोकल ही होगा तो बत्तख सब है वहाँ पे बहुत सारा बट वो कैमरा में नहीं आ रहा है जो भी हो तो बस ऊपर में जाते हैं बस चाय वाय पीते हैं ये रास्ता थोड़ा ऊंचा ही है बादाम बादाम गाने 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 ऐसा मत करो यार भूखे के साथ अच्छा हुआ तो अभी भूख लगा है तो जो भी मिला अच्छा ही लगेगा एंड सुंदर मोनेस्ट्री है तो यह है मोनेस्ट्री और यहाँ का व्यू
आगे में था डेलो पार्क, जो हम लोग डेलो पार्क क्रॉस करके आ गए हैं टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। और यहाँ पे बहुत ठंडा भी है, तो एक्चुअली वहाँ पे पूरा पैराग्लाइडिंग होता है, जो आगे है वो पहाड़, वहाँ से पूरा पैराग्लाइडिंग करते हैं लोग। तो आप लोग आने से यहाँ पे पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया, और आपको तो टाइम लैप्स कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बोलिए। एंड बस अब इस सुंदर सा जगह को बाय बाय बोलना है, फिर दूसरी जगह पे जाना है, जो हम लोग का मेन डेस्टिनेशन है वो आगे में है। तो मोनेस्ट्री बहुत ही अच्छा लगा इस जगह को, जाते फिर आगे। तो हम लोग का वो जो जगह था जहाँ पर मॉनेस्ट्री था, आप लोगों ने वीडियो देखा, तो उस मॉनेस्ट्री से हम लोग ऊपर की तरफ मॉनसून विलेज की तरफ आगे मतलब बढ़ रहे हैं। बट रास्ते में यहाँ पे एक ऐसा व्यू पॉइंट मिला, आप देख रहे हैं पीछे ये तीस्ता है, ये जो है तीस्ता है, यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रिज है तीस्ता में, जो सिक्किम जाने का टाइम मिलता है वो वाला, यहाँ से पूरा दिख रहा है एकदम साफ। और ये जो रास्ता था, सीरियसली डैम हैवी, मतलब इतना अच्छा जगह है वो। ये जो पूरा रूट था हम लोग ड्राइव करके आए, पूरा चारों तरफ मतलब दोनों तरफ रास्ते के दोनों तरफ ही पूरा मतलब फ्लावर्स, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स, पूरा रंग बिरंगे फ्लावर्स, जैसा सीजनल ठंडे में यहाँ पे फूल होते हैं, मतलब दोनों तरफ पूरा फूल ही फूल। छोटा छोटा गाँव है, छोटा छोटा घर है, हम लोग जब क्रॉस करके ड्राइव में आप लोग वीडियो में देखे होंगे, तो काफ़ी सूदिंग है ये वाला ड्राइव यार, हैवी, मुझे तो बहुत पसंद आई ये जगह। तो अब लोग अभी वो जो मेन रोड था उस रोड से एक लेफ्ट कट लेने से फिर ये वाला जो हम लोगों का डेस्टिनेशन है मोंगसू विलेज इसी तरफ है। और यहाँ पे काफ़ी बहुत सारे होम स्टेज है, बहुत अच्छे अच्छे, तो आप लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं आके होम स्टे में, तो आप लोग को गूगल में ही शायद मिल जाएगा उन लोगों का डिटेल्स। एंड यहाँ पे बहुत होम स्टे है, ये अब स्टार्टिंग है, मेन जो पॉइंट है व्यू पॉइंट वहाँ का, नज़दीक में बहुत सारा होमस्टे है, लेट्स सी कैसे देखने मिलते हैं वहाँ पे। तो एक बार प्लान करना पड़ेगा स्टे करने के लिए, बहुत ही अच्छा लगा अभी तक का जर्नी, सो फार सो गुड, स्टे ट्यून्ड। तो एक बहुत बड़ा सीन हो गया सीन मतलब हम लोग जो जगह सोचे थे जहाँ पे आएंगे एक्चुअली, जो डेस्टिनेशन था, वेट 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 मुझे बोलने दो, तो बात यह है कि जो डेस्टिनेशन था हम लोग का कि ये जगह पे आना है वगैरह, तो शायन के वजह से ये प्लान हुआ था नो डाउट, तो फोटो भी देखा था वो काफ़ी, पता नहीं हम लोग यहाँ पे आके फंस गए, कुछ भी नहीं, आगे में रोड नहीं है, ख़त्म।
और यहाँ पे ग्राउंड है, कुछ भी नहीं है देखने लायक, जो भी हो तो एक पॉइंट है बेसिकली। यहाँ पे कोई स्पॉट नहीं बोलेंगे या फिर डेस्टिनेशन, ऐसा मतलब एक गांव का लास्ट पॉइंट है जैसे बोल सकते हैं आप। यहाँ पे रोड ऐसा बस कच्चा रोड है, वो पक्का रोड ख़त्म हो गया यहाँ से। वैसे जगह अच्छा है बट इतना दूर आने के बाद लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। चल ना देख के आता आगे में थोड़ा। फ्लावर्स मतलब पूछो मत, इतने वेरिएंट्स के फ्लावर्स है। एंड यहाँ पे एक नर्सरी टाइप भी है छोटा, यहाँ पे बहुत टाइप ऑफ कैक्टस है। वाओ इतना क्या बोलूँ, ये रिमोट एरिया है क्योंकि मेन टाउन से तो काफ़ी दूर में ही है, बट यहाँ पे जो घर है इतना साफ सुथरा है, नहीं है जो गली है इवन उन लोग का रास्ता, कोई ट्रैशेज नहीं है, कोई गंदा नहीं है, तो वो लोग इतने अच्छे से मेंटेन किया है। और ये फ्लावर्स जो है अल्टीमेट। सो वो लोग आगे चल चुके हैं, जाते हैं वहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे तो पूरा ट्रीज है, यहाँ पे ये दाल है, ये दाल का खेती किया है कोई लेंटिन से ये वाला, और यहाँ आगे में भी प्याज व्याज लगा है। सही है, यहाँ पे क्वाश तो है जंगल के जैसा फैला है यहाँ पे क्वाश। ये देखो एकदम ऑर्गेनिक, तो अच्छा ये खेती है क्वाश का। तो मैं गलत रास्ते से आ गया। गर्मी लग रहा है, बकरा हो गया ये सब उन लोग खुद ही फार्मिंग करते हैं, बकरा हो गया एंड मुर्गी तो आपने देखे हैं, टर्की है, खेती है। यहाँ पे बहन उन लोग हनी का भी फार्मिंग करते हैं, मक्खियों का बहुत सारे यहाँ पे फार्मिंग का वो है। वाओ ब्यूटी ब्यूटी, काफ़ी सुंदर जगह है यार, ये सब जगह आके एक्सप्लोर करो यार। मुझे तो अभी ऐसा कोई जगह नहीं है, पर्टिकुलर कोई स्पॉट नहीं है, बट ये टोटल पूरा का पूरा जो गांव है अपने आप में एक बहुत ही अच्छा जगह है। तो दीदी आप लोग यहाँ पे फूल बहुत लगाते हैं ना तो एक से बढ़कर एक यहाँ पे वेराइटीज़ है फ्लावर्स का, तो इतना अच्छा लगता है। और यहाँ पे मधु भी होता है ना अच्छा से, तो यहाँ पे इतना फूल है तो यहाँ का जो हनी है वो भी अच्छा ही होगा। और क्वाश तो पूछो ही मत, क्वाश पूरा जंगल हुआ है क्वाश का। ये वाला देखिए, वाह यहाँ का कुछ कुछ फ्लावर्स तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। यहाँ पे मिर्ची है ना, ये डल्ले कुर्सा नहीं ना, ये है हॉटेस्ट चिली, ये सिर्फ
इस जगह पे ही हिल्स में ही बेसिकली ज़्यादा होता है। वाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वाह वाह अच्छा लगा। नहीं यार शायद तू सही था, शायद सही था सच में, और धूप भी है, शायद सही था, अच्छा जगह पे लेके आया वो। बट बात ये कि वो लोग कहाँ गए, हाँ वो लोग आगे में, तो वो लोग आगे में यार। फील द ब्यूटी यार, आप लोग तो नहीं मतलब मेरे साथ तो नहीं आए हो। यहाँ पे ऑरेंज का ट्री भी है, यहाँ पे ऑरेंज भी लगा हुआ है, यहाँ पे ऑरेंज भी लगा हुआ है, एंड वाओ। और यार काफ़ी अच्छा जगह है, सूदिंग। यहाँ पे मतलब फ्लावर्स, यहाँ पे देखिए तो बाप रे, यहाँ पे तो देखिए गॉड्स ओन गार्डन, यू नो गॉड्स ओन गार्डन। सीरियसली आगे में एक व्यू है, वहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे मुर्गी भी है। लोग डरते नहीं है, देखिए ना कितना सामने से जा रहा हूँ, कोई हिलता ही नहीं है। वाओ वाओ एक सामने व्यू है गाइस, तो मैं दिखाता हूँ वो वाला व्यू कैसा लगा। बस कमेंट में मतलब कमेंट तो करना ही है इस वीडियो में प्लीज यार। अब चैनल नया है तो कंटेंट भी थोड़ा अजीबोगरीब आता होगा मेरा, या फिर मेरा बोलने का स्टाइल हो या फिर जो भी हो, तो वो सब छोड़िए, मैं जो जगह दिखा रहा हूँ वो देखिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तो अच्छा लगता है। और ये आप देखिए बट कैमरा तो जज नहीं कर सकता हर जगह को। रातुल कैसा लगा, अच्छा लग रहा है, अच्छा है ना, मतलब ये एकदम अलग टाइप का हो गया ना चीज़। मतलब एक खाता हम लोग एक जगह पे घूमने जाते हैं, स्पॉट रहता है, अलग अलग चीज़ दुकान रहता है खाने, यहाँ पे उन लोगों का ही गाँव है और बस दो चार होमस्टे है यहाँ पे, और अलग से तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सुकून ना, ये एकदम एकदम सुकून भरा जगह है, सीरियसली सीरियसली। यहाँ पे ये वाला देखो ना, यहाँ पे बैठ जाओ बस। तो मैं यहाँ पे एक थंबनेल पिक निकाल लेता हूँ, और मैं यहाँ का जो व्यू है एंड स्टोरीज है जो भी मैंने लिया मतलब बनाया हूँ मोबाइल पे, वो मैं मेरा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में डालूंगा। तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का आईडी डिस्प्ले में है, holyshift_15। वो बोला फॉलो कीजिए, वहाँ पे यहाँ का फ़ोटो वोटो वगैरह यह सब रहेगा। तो यहाँ पे सामने एक बहुत अच्छा सा जगह है, वाओ। देखना है इसको, मैं ऐसा प्यार करूंगा, इसको मैं ऐसा प्यार कर रहा हूँ ना, वो फिर से मैं उसका मुंह से मेरा हाथ को हिलाएगा मतलब फिर से करने के लिए। हाँ देखना मतलब यही तो लाइफ है ना, मतलब अचानक से एक सडन प्लान हो गया ऐसा, फिर अननोन जगह पे ऐसा आ गए जो इवन मैं सुना भी नहीं था किसी से, और यहाँ पे एक ऐसा दोस्त भी बन जाए क्यूट सा, क्या भाई क्यूट भाई, उसको इसको फिर से चाहिए। ओ अच्छा अच्छा यही लाइफ है भाई, सीरियसली एंजॉय करो हर एक चीज़ का, एंजॉय करो ये मतलब एंजॉय ऑल लिटिल थिंग्स, बयां नहीं कर सकता यार सीरियसली।
मेरा तो वहाँ पे ऊपर में जब गाड़ी पार्क किया वहाँ पे दिमाग खराब हो गया, कहाँ लेके आया शायद कुछ भी नहीं है, क्या ये तू कहाँ पर लेके आया, एक तो ग्राउंड है बट अभी मालूम चल रहा है। चलो टाटा टाटा दोस्त। तो यहाँ पे जब लौट रहे थे तो यहाँ पे तो पूरा हम लोग का फार्मिंग एंड खेती है, सब कुछ ही है। तो ये दीदी थी, फिर दीदी को मैंने बोला कि दीदी थोड़ा क्वाश आपके गार्डन से मिल से, बोला हाँ ले लो। तो फिर दीदी ने ये सब दिया तो एकदम गार्डन फ्रेश, थैंक यू दीदी। तो बहुत ही अच्छा, लेकिन हम लोग सोचे थे यहाँ पर नीचे में कुछ छोटा मोटा उन लोगों का होमस्टे का किचन होगा या फिर छोटा क्या उन लोगों का छोटा खाने का जगह होगा, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको होमस्टे में बुकिंग करने से ही आपको यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल मतलब मिलेगा, क्योंकि हम लोग पहले से बोल के भी नहीं आए थे तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कॉन्टैक्ट नहीं था हम लोगों के साथ उन लोगों का। तो ये देखिए, वाह। तो थोड़ा ऊपर चलने आने के बाद एक भैया से मिला, एक्चुअली यहाँ पे लोकली और यहाँ पे उतना क्या बोलूँ, यहाँ तक उतना आदमी है नहीं यहाँ पे, जो उन लोग का घर है बस उतना ही है उन लोग। एंड तो भैया आपका नाम? मेरा नाम सनीम खवास। ओके सनीम, मैं इधर का रहने वाला हूँ और यहाँ का इस जगह का नाम बोलता है मेन बोलता है मनचंग, बट इट्स एक्चुअली दिस विलेज का नाम है मंगरजुंग, मनचंग मंगरजुंग बोलता है। okay. ये इसका नाम मंगरजुंग बोलता है। दूसरों यहाँ यहाँ से जो आप लोग आए ना वहाँ पर, वहाँ से एरिया अप टू नीचे तक मनचंग बोलता है, होल एरिया मनचंग बोलता है। यही गाँव का नाम था मंगरजुंग है। Okay. और आपका घर यही है ना? हमारा घर यही है। वो सुनने में पहले बाद में कर दीजिएगा। और यहाँ का सामने आसपास में और कौन सा जगह है? सिक्किम तो सामने ही है। सिक्किम इधर आगे ही है। हाँ, जो आप लोग नीचे पॉइंट गए ब्रिज देख रहा था, वहाँ से आप लोग शॉर्टेज डिस्टेंस देखते है सब कुछ। अच्छा। दार्जिलिंग, डेलो, रा बंगला ये पॉइंट है ऊपर का। हाँ। यहाँ से आप लोग 9-10 पॉइंट मिलता है। अच्छा अच्छा, इसी जगह से। ओके, आज तो थोड़ा वेदर क्लाउडी था, मतलब क्लाउडी मतलब पूरा, हाँ क्लाउड आ गया था अचानक से, थोड़ा क्लियर हुआ था। आप लोग का मॉर्निंग 5 to 9 o'clock इट विल बी अ क्लियर ना। ओके, तो अच्छा ये जगह काफी अच्छा है, काफी शांत है, काफी सूदिंग है। आप इफ होलिस्टे नाइट करिए तो आप लोग इंजॉय कर सकता है, ड्रिंक्स लेकर आइए, बॉन फायर करिए। हम लोग आएंगे फिर से, हम लोग एक व्लॉग में डालते है। तो यहाँ पे स्टे करने के लिए बेस्ट है वही, हम लोग तो कोई ऐसा प्लान नहीं। हाँ मेरा भी चैनल है, सो मेरा चैनल का नाम है शिफ्ट टू एक्सप्लोर। नाम क्या? मेरा नाम राजदीप भौमिक है, राजदीप। तो वीडियो आएगा कुछ दिन बाद तो आ ही जाएगा आपका। ओके ओके ओके, फिर से आऊँगा यहाँ पे स्टे करके करने के लिए आऊँगा, बेसिकली आज तो ऐसा प्लान नहीं था। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू थैंक यू। सो टाइम टू से बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस, विल विजिट अगेन। एंड काफ़ी अच्छा जगह था ये, और फिर से चले जा रहे हैं अपने मंजिल पर, अपने घर पर। और लंच तो अभी तक नहीं हुआ, नीचे में सोचा था लंच होगा बट वो लोग लाइक कोई कंफर्मेशन नहीं था, हम लोगों का बुकिंग नहीं था, तो उससे सबसे पहले बोलना होता है यहाँ पे। इतना रिमोट एरिया है कि आप ऐसे कुछ ऐसा दुकान भी नहीं है। तो ड्राइवर जी आप कहाँ जाएंगे? अभी डेलो जाएंगे। डेलो? हाँ भाई डेलो नहीं जाएंगे, रंगपो के सिक्किमो के निकलते हैं ना, वहाँ पे खाने घर नहीं। अब डेलो क्या घूमेगा? और अब पैराग्लाइडिंग नहीं करेगा, अभी बंद हो गया अब तक शायद, नहीं 4:30 बजे तक नहीं बंद हो जाएगा प्रियम, नहीं जाना। तो बात यह है कि अब हम सोचे थे कि सिक्किम होके निकलेंगे, सिक्किम बॉर्डर होके मतलब रंगपो होके, तो अब ये लोग फिर से कालिम्पोंग के तरफ ही घुसेंगे, मतलब जिस रोड से आए थे उसी से बैक करके वहाँ पे डेलो आया था, हम लोग डेलो छोड़ के आया था। डेलो एक व्यू पॉइंट है, एक पार्क है छोटा सा, एक व्यू पॉइंट है, वहाँ पे एडवेंचर कुछ एक्टिविटीज होते हैं लाइक पैराग्लाइडिंग एंड ऑल।
वो तो वहाँ पे ये लोग अभी पैराग्लाइडिंग करेंगे, पता नहीं भाई मुझे तो बहुत डर लगता है पैराग्लाइडिंग। हाँ तू चुपचाप देखते रहना, सब वीडियो बनाते रहना मैं लोग का। ठीक है तो मैं अपना गोप्रो भी लेके आया, ठीक है? गोप्रो लेके आया? हाँ, सब बैग में है। लेकिन वो गोप्रो लेके गैप से जाए, हम स्टिक स्टिक नहीं है तो गोप्रो का ना, तो स्टिक भी है, स्टिक भी लाया मैं। हाँ तो फिर उसको 500 रुपये देना नहीं पड़ेगा। चल ओके। Meanwhile तो हम लोग का रंगपुर से जो होके निकलने वाला था वो वाला प्लान कैंसिल किया है, तो फिर डेलो होके जाएंगे। तो यहाँ है वही पैराग्लाइडिंग फ्लाई जोन जहाँ से बुकिंग वगैरह होता है। एंड ये तो ये महाशय तो पैराग्लाइडिंग करेंगे, तो एक्चुअली वेदर तो ख़राब हो गया अभी। वही फ्लाई हो रहा है पर टेक ऑफ है ना। हाँ क्लियर दिखता है सर, एक बार वीडियो दिखाओ अभी का। तो जो भी हो ये बुकिंग काउंटर है पैराग्लाइडिंग का, तो आप लोग यहाँ से भी बुकिंग करा सकते। ऊपर में भी है शायद, बट यहाँ से बुकिंग होता है। तो लेट्स सी, क्लाउडी आज का तो तभी था। नहीं क्लियर था सर, ऐसा होता है ना, ये क्लाउड थोड़ा थोड़ा था ऐसे, देखिए ठीक है, क्लियर है ऊपर से, आप दिख सकते हैं टेक ऑफ से जाके, ठीक है। नहीं मुझे तो अभी डर लग रहा है। ये आपका स्पेशल मूव है राइट? आपका स्पेशल मूव बनाया ना आपने ये? अच्छा से आए, बहुत टेस्टी है। ओके तो मोमो ले लिया यहाँ से बुकिंग काउंटर से। ये लो मोमो खाओ भाई। तो अब पैराग्लाइडिंग करेंगे, तो मैं मेरा गोप्रो ले लिया एंड उन लोगों के पास भी गोप्रो है, इवन 360 है, तो वो लोग करेंगे। तो मैं अपना गोप्रो ले लूँगा, मैं अपना फुटेज लूँगा यहाँ से, एंड वहाँ पे भी कैमरा है। तो हम लोग को काफ़ी अच्छा एक डील मिला है तीन जन के लिए, यू वॉन्ट बिलीव। तो अभी बस इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है मैं कर लेता हूँ, उसके बाद लेट्स फ्लाई। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा है अभी, और मैंने अपना गोप्रो ले लिया हूँ यहाँ पे। मुझे तो काफ़ी डर लग रहा है यार, पर शायन ने बोला कुछ नहीं होता, वो पहले एक बार कर चुका है, और मैं भी पहले करने वाला था, शिमला में गया था एक बार, बट मैं डर के वजह से नहीं किया। तो इस बार ट्राई करते हैं। इसका वेट कितना होगा भैया? ऐसा स्टीफ रास्ता में नीचे से ऊपर आया हूँ भाई, हालत ख़राब भाई। तो अभी तो वेदर भी फिर से ख़राब हो गया, पता नहीं अब क्या होगा नहीं होगा। सिर्फ 2000 रुपये लिया, सो सिर्फ 2000 में पैराग्लाइडिंग। How much excited you are? बहुत डर लग रहा है मेरे को। And Priyank? Yes, bro. Thank you.
सर तो अभी हम लोग पैराग्लाइडिंग लैंड किए थे, लैंड करके फिर ऊपर में स्पॉट में आया है जहाँ से बुकिंग किया था। तो ये भैया मेरे पायलट थे, तो भैया ने बहुत ही अच्छा से बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस करवाया। तो भैया आपका यहाँ पे रोज होता है? जी रोज होता है, और ये कितना जुलाई से, मिड जुलाई से बंद हो जाता है जो प्रॉपर रेनी सीजन होता है ना। अच्छा, इस टाइम बंद हो जाता है जुलाई अगस्त सितंबर में थोड़ा। तो और अभी सपोज अभी तो ये वाला विंटर सीजन में तो रेगुलर चलेगा ना? हाँ चलेगा। ओके, तो सुबह कितने बजे से स्टार्ट होता है? सुबह 9 बजे से स्टार्ट होता है, ठीक है, शाम को इसी टाइम तक। लेकिन वेदर पूरा देखना पड़ता है हमको, पूरा चेक करके उड़ाते हैं सर। तो आज तो एक्चुअली टाइम मैं बोलूंगा कि टाइम ओवर ही होने वाला था, फिर भी ऊपर में गया तो व्यू आया था, तो वो तो आप वीडियो में देख लिए होंगे गोप्रो में क्लिप में। तो ये वाला भैया का ये पोस्टर है, यहाँ पे नंबर है, आप यहाँ का नंबर डाउन नोट डाउन कर लीजिए और यहाँ पे आके बस से बात कर लीजिएगा, थोड़ा कम वम कर देगा। मैं फोटोग्राफर भी हूँ, यू कैन लाइक फोटोग्राफी, स्टिल फोटोग्राफी डीएसएल से लेता हूँ मैं भी, इसी कंपनी का ही। अच्छा, इसी कंपनी का अंडर में है, तो यहाँ पे सब कुछ हो जाता है ऑलमोस्ट ना। सही है, आइए यहाँ पे एक्सपीरियंस कीजिए, बहुत अच्छा है। और जो पायलट है वो भी बहुत अच्छा से लैंड करवाया। अभी हम लोग कालिम्पोंग टाउन में ही है, तो ऊपर से नीचे उतर गए डेलो से, एंड तो हम लोग उतना कुछ खाए नहीं दोपहर को, सिर्फ थोड़ा मोमोज ही खाए थे। तो अभी सोचा कुछ खा लूँ, या तो कालिम्पोंग सिटी से थोड़ा आगे सिटी में है ये, तो यहाँ पे कुछ बारबेक्यूज वगैरह है। तो अभी चाय एकदम गरम चाय हो रहा है। चाय है भाई, क्या चाय, क्या चाय? 100 वाट का। तो ये 100 वाट का चाय है, और हम लोग अभी सेवो क्रॉस करके करक मसाला टी है, एंड वो करक है हैवी। तो हम लोग का आज का जो सारा दिन गया सुबह से लेकर रात तक कैसे कैसे चला गया मालूम ही नहीं चला, और ए टू जेड परफेक्ट। कैसा रातुल? एकदम मतलब आज का सारा दिन। तो ये फॉर्चून वाला जो केस है वो बाद में बोलूंगा, ठीक है। तो जो भी हो, आज ये राइड हम लोग का जो ड्राइव था गाड़ी का, और हम लोग का जो आज का संडे प्लान था, बहुत ही अच्छा तरीके से कंप्लीट किया हम लोगों ने। और आज छोटा मतलब इतना कम समय है, जैसा भाई विंटर का टाइम है, दिन छोटा होता है, तो इसका कम टाइम में एकदम सारा दिन सुबह से लेकर रात तक एकदम ए टू जेड एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का। अच्छा, तो गुड नाइट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तो ये हम लोगों का कमेंट सेक्शन में, मेरा कमेंट सेक्शन में बोलिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।